हेलो एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा अंडररेटेड रेटेड के बारे में जिसे कहते हैं नेचुरल पर्ल और हिंदी में इसे मोती के नाम से जाना जाता है आम आदमी को इसकी यूटिलिटी केवल इतनी पता है कि अगर किसी को गुस्सा आता है तो उसे ये जैमसोन पहना देना चाहिए कि दिमाग को ठंडा रखता है दैट्स इट लेकिन रियलिटी में इसकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि सुन के आपका दिमाग खुल जाएगा मोती मून का जैमसोन है सो so, मोती की इम्पोर्टेंस समझने के लिए हमें पहले मून की इम्पोर्टेंस समझनी ज़रूरी है जिसे मन का कारक माना गया है और मन के बारे में भागवत गीता में लिखा है कि मन ही किसी का सबसे बड़ा मित्र या शत्रु होता है सुनने में ये बहुत ही नॉर्मल सी स्टेटमेंट लगती है लेकिन एज वी प्रोसीड विद दिस वीडियो विल रियलाइज़ हाउ पावरफुल इट इज़ नाउ कमिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी पार्ट पूरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेस आउट ऑफ द नाइन प्लानट्स मून को माना गया है आपको भले ही अपने चार्ट के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो लेकिन बचपन से ही घर वालों ने आपको आपकी राशि जरूर बता के रखी होगी और राशि क्या है आपका मून साइन ही तो है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पर्ल इफ यू आर लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन अराउंड बाइंग अ पर्ल्ड की उसमें किस किस चीज़ को देखना चाहिए सो so, इस चीज़ पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो जो सजेस्टेड वीडियो उसका पार्ट है वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरा नाम है वैभव भारद्वाज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर जी आई एस सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट एंड ए कंप्यूटर इंजीनियर एंड चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मोती का जो बिगेस्ट बेनिफिट है वो है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फिर चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल मून का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है वाटर के ऊपर ये साइंटिफिकली प्रूवन है जैसे जो ओशन में हाई एंड लो टाइड्स आती हैं इट्स बिकॉज ऑफ मून ये सबको पता ही है और हमारी बॉडी का 62 टू परसेंट जो कॉम्पोजिशन है इट्स वाटर मीन्स हमारी ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ द बॉडी अगर इंडिविजुअल ऑर्गन्स की बात करें तो लंग्स आर अराउंड 83 परसेंट वाटर नेक्स्ट वी हैव स्किन जिसमें 64 परसेंट के आसपास वाटर होता है फिर उसके बाद आ जाता है मसल्स एंड किडनीज़ जहाँ 79 परसेंट जो कॉम्पोजिशन है इट्स वाटर एंड इवन जो बोन्स हैं उसमें भी 31 परसेंट के अराउंड वाटर होता है और पर्ल मतलब मोती आपके वाटर कंटेंट को रेगुलेट करता है सो so इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर ब्रेन का भी 73 परसेंट पार्ट इज़ वाटर मीन्स एस्ट्रोलॉजिकली अगर किसी का वाटर एलिमेंट गड़बड़ या अफ्लिक्टेड है इसका सीधा सा मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ये है कि उस इंसान का दिमाग ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है सच पीपल कैन सफ़र फ्रॉम कंटिन्यूस स्ट्रेस या डिप्रेशन में भी जा सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड डिग्री ऑफ अफ्लिक्शन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो दे कैन इवन गो मैड उन्हें मैंटल uh, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है या सुइसाइडल टेंडेंसीज भी उन्हें आ सकती हैं एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ सीरियस द इशू ऑफ सुइसाइड्स इज़ एज़ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इंडिया साल 2020 में इन द ईयर 2020 इंडिया में वन लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड सुसाइड्स हुई थी विच मीन्स फोर हंड्रेड एंड सुइसाइड्स पर डे सो दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी रियल और पर्ल इन इश्यूज से को कॉम्बैट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिसका मतलब दिस जेम्सून कैन एक्चुअली सेव लाइव अगर किसी का मून सिवियरली अफ्लेक्टेड है तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अफ्लिक्शन वो उन्हें क्रिमिनल टेंडेंसीज भी दे सकता है और क्राइम एंड मून के ऊपर एक स्टडी भी हो चुकी है यूएस में वहाँ पर जो यू एस नैशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी थी ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी फुल मून डेज होते हैं मतलब पूर्णिमा तो उस टाइम पे नंबर ऑफ़ क्राइम्स सब्सटैशली राइज़ हो जाते हैं कंपेयर टू दी अदर डेज पूर्णिमा में क्या होता है कि बिकॉज मून इज़ फुल सो अपने फुल फोर्स से अपना इम्पैक्ट दे रहा होता है सो इन दैट केस अगर किसी के भी चार्ट में वो सर्टेन टाइप ऑफ अफ्लिक्शन हैं विद रिगार्ड टू मून जो उन्हें क्रिमिनल टेंडेंसीज दे रहे हैं तो पूरा 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 इम्पैक्ट उनके ऊपर उस टाइम पे होता है एंड दे फील मच मोर कंपेल्ड क्राइम्स को कमिट करने के लिए एंड एज अ रिज़ल्ट जैसे कि इस रिसर्च या स्टडी में भी देखा गया उन दिनों पे ये क्राइम्स ज़्यादा राइज हो जाते हैं सो so, जो इस टाइप के लोग होते हैं उनको भी जो उनकी मेंटल स्टेट है या जो क्रिमिनल टेंडेंसीज को रिड्यूस करने के लिए पर्ल कैन बी वेरी यूजफुल और कहाँ ये जेमसोन काम आता है जैसे अगर आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं या इरीटेशन मेंटली आपको होती रहती है विदाउट एनी रीज़न या फिर छोटी छोटी बातें आपको मेंटली बहुत इफ़ेक्ट कर जाती हैं और आप उसके बारे में सोचते ही रहते हैं यू के नॉट जस्ट शर्ट योर माइंड ऑफ इन फीमेल्स अगर मैंसुअल साइकिल इरेगुलर है तो वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुलजेंट्सन होता है कुछ लोगों को कॉन्स्टेंट फेयर बना रहता है अबाउट थिंग्स विच मोस्ट लाइकली विल नेवर हैपन जैसे अगर किसी रूम में बैठे हैं ऊपर पंखा है तो उन्हें लगेगा कि अरे पंखा कहीं ये उनके ऊपर गिर तो नहीं जाएगा या फिर जैसे मान लिया कभी वेदर बहुत बढ़िया है बारिश हो रही है तो कोई नॉर्मल इंसान है तो वो सोचेगा कि चलो भाई ये ये चाय पकौड़े वाला टाइम आ रहा है ऐसा कुछ बनाया जाए लेकिन अगर किसी का मून अफ्लेक्टेड है तो वेदर को इन्जॉय करना तो दूर उन्हें यही टेंशन लगी रहेगी कि कहीं बिजली उनके ऊपर ना गिर जाए सो ये जो टेंडेंसीज़ होती हैं जहाँ पे अननेसरली डर बना रहता है इन्हें भी जो पर्ल जेम्सुन है वो वहाँ बहुत हेल्पफुल रहता है देन देर आर पीपल विथ फोबियाज चाहे किसी भी टाइप का फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास्ट्रोफोबिया जहाँ पीपल हैव फेयर ऑफ कन्फाइंड स्पेसिस जैसे बंद लिफ्ट में उन्हें घबराहट होने लगती है या फिर कोई बंद छोटा रूम हो सो so वहाँ पे दे फील हाईली अनकम्फर्टेबल कुछ लोगों को हाइड्रोफोबिया होता है पानी का फोबिया कुछ लोगों को इंजेक्शन से होता है तो ये जो अलग अलग टाइप के डर होते हैं ये अगेन इट्स अ साइन ऑफ अफ्लिक्टड मून फिर देर आर पीपल हु सफ़र फ्राम स्किट्स जिसमें क्या होता है कि देर इज़ विदड्रॉल फ्राम रियालिटी और वो लोग अपने ही फैंटसी वर्ल्ड में और डिल्यूजनल स्टेट में रहते हैं एंड उन्हें हलूसनेशनज होने लगते हैं जिसमें दे सी थिंग विच डो नॉट एग्जिस्ट एंड दे कीप हियरिंग वॉइस की कोई उन्हें बुला रहा है बहुत स्केरिये चीज़ें लगती हैं तो अगर हमें ही सुनने में ऐसा लग रहा है तो जो लोग एक्चुअली इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनकी एक बार मेंटल स्टेट आप सोच के देखिए सो so ये जितनी भी सिचुएशंस हैं इसमें पर्ल जेम्सून राम बाण की तरह एक्ट कर सकता है एंड इन लोगों की लाइफ बहुत बहुत बेटर बन सकती है मून की पोजीशन लाइफ के इवेंट्स के प्रति आपके नज़रिए को भी डिटर्मिन करती है कि इन जनरल आप आ, का जो माइंड है कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव है सक्सेस एंड फेलियर को आप किस तरह से परसीव करते हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ एक बार एक वाइफ़ और हस्बैंड एक संत महात्मा जी के आश्रम में जाते हैं तो हस्बैंड काफ़ी परेशान सा लग रहा था एंड वाइफ वाज जस्ट स्माइलिंग तो जो महात्मा जी थे वो हस्बैंड से पूछते हैं कि तुम परेशान लग रहे हो प्रॉब्लम क्या है तो हस्बैंड कहता है कि मुझे बिजनेस में एक लाख का घाटा हो गया अब एक लाख का घाटा हो गया लेकिन वाइफ स्माइल कर रही हैं तो अब वो महात्मा जी वाइफ से पूछते हैं कि आप क्यों स्माइल कर रही हैं तो वाइफ कहती है एक्चुअली एक लाख का घाटा नहीं एक लाख का फ़ायदा हुआ है अब महात्मा जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि पति कुछ कह रहे हैं पत्नी कुछ कह रही है तो फिर वो पत्नी थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करती है कहती है कि एक बिजनेस डील इनकी होनी थी इनके हस्बैंड की तो वहाँ पे दो लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था दो की जगह एक लाख का ही हुआ तो जिस तरीके से वो उसे देख रहे हैं एक लाख के लॉस की तरह और मैं उसे एक लाख के प्रॉफिट की तरह देख रही हूँ सो so, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही इवेंट को दो लोग कितनी अलग अलग तरह से देख सकते हैं सो so, यही जो माइंडसेट होता है दिस इज़ गवर्न बाय मून और अगर आपको एक पॉजिटिव माइंड चाहिए विद मिनिमल एफर्ट्स कि नेचुरली आपको वो पॉजिटिविटी uh, फील हो माइंड में तो मोती कैन बी द नंबर वन जेम स्टोन फॉर यू मून सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी गवर्न करता है अब आप ये सोचेंगे कि एक प्रीवियस वीडियो में तो मैंने ये कहा था कि ये चीज़ सन से देखी जाती है तो मून क्यों बिकॉज मून कैन कॉज ओवर थिंकिंग सो भले ही आपके सूर्य अच्छे हों जो कि आपको इन जनरल सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हों लेकिन अगर मून की वजह से ओवर थिंकिंग होती है आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो ये भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करता है जैसे अगर मैंने ऐसा कहा तो ये तो नहीं हो जाएगा अगर मैं अपने बॉस से सैलरी हाइक के लिए बात करूँगा तो कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी अगर मैं एक कोई न्यू इनिशिएटिव या स्टार्टअप लेता हूँ तो मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या कहेंगे अगर वो फेल हो गया जो मेरा स्टार्टअप है तो सब लोग हंसेंगे मुझ पर सो so, ये जो ओवर की वजह से आप में कॉन्फिडेंस की कमी आती है अगर इस चीज़ से भी ऊपर निकलना है इससे बाहर निकलना है तो पर्ल्ड इज़ अ वेरी हेल्पफुल जेम स्टोन और मैरिड लाइफ को कैसे भूल सकते हैं किसी भी मैरिड कपल में जो झगड़े होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका रीज़न क्या होता है गुस्सा कि किसी ने एक बात बोली दूसरे पार्टनर ने चार बातें और सुना दी पहले वाले ने फिर दस बातें सुना दी और झगड़ा किसी और बात पर शुरू हुआ था पिछले दस साल बीस साल पुरानी बातें निकल के आ जाती हैं दे आपस में एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं विच दे डोंट इवन मीन और इस वजह से बहुत जल्दी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है ऑल बिकॉज़ की गुस्से की वजह से दे कांट थिंक स्ट्रेट और बस अपना पॉइंट ऊपर रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलना है तो so जब भी किसी की शादी या इंगेजमेंट हो रही होती है उसमें डायमंड की जगह अगर मोती पहना देंगे तो शायद उन कपल की मैरिड लाइफ के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा उनकी स्टेबिलिटी के लिए सुख शांति के लिए एंड course लाइक एनी अदर gemstone मोती के केस में भी पहले हॉस्कोप का एनालिसिस करना ज़रूरी है सूटेबिलिटी देखनी ज़रूरी है उसके बाद ही पहना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर बेनिफिट्स मोती आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आपका करियर इज रिलेटेड टू मिल्क एंड वाटर या अगर आप नेवी में हैं शिपिंग इंडस्ट्री में हैं और इफ़ यू आर साइकोलॉजिस्ट या फिर आप कंसल्टेंट हैं तब भी वैसे मोती इन जनरल हर करियर टाइप में ही काम आता है क्योंकि आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखता है काम रखता है बिकॉज वर्क प्लेस पर देर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ वरीज़ या जो चीज़ें आपको टेंशन दे, फॉर एग्जांपल कुछ काम ठीक नहीं चल रहा कुछ गड़बड़ हो रही है तो अगर आप टेंशन में हैं तो आप आप अपना फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा इशू होता है सो so उन चीज़ों से भी डील करने में जो देन अगर कोई क्रिटिसिज्म है उसको पॉजिटिवली लेने में मोती आपकी बहुत हेल्प करता है सो ऑल इन ऑल अगर आपको करियर में अपना बेस्ट पोटेंशियल निकालना है दिखाना है तो पर्ल इज़ अ वेरी हेल्पफुल जन्सून फॉर यू सो गाइज़ ये थे पर्ल या मोती के बेनिफिट्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो स्पेशली इस वीडियो के लिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें जिससे YouTube का जो एल्गोरिथम है इसे ज़्यादा प्रमोट करें आगे एंड अगर किसी को ये इशूज़ आ रहे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं अगर दे आर सफरिंग फ्राम दोज़ प्रॉब्लम्स तो ये वीडियो उन तक पहुंच पाए और उनकी हेल्प हो पाए और अगर आपको हमारे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है ये फाइंड आउट करने में कि क्या पर्ल आपके हॉर्स्कोप के हिसाब से सूटेबल है तो कंसल्टेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है जल्दी ही मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग